ये ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में देखिएगा जी। विदाउट बेक मीट वॉज नेवर हिज हाउस, अ फिश एंड फ्लैश एंड दैट सो प्लंटवस। तो मॉडर्न में देखिएगा, बेक्ड मीट वॉज नेवर वॉन्टिंग इन हिज हाउस, अ फिश एंड फ्लैश एंड दैट सो प्लंटवस। ये नो नहीं है, ये सो है, सो तो स्पेलिंग मिस्टेक है जी यहाँ पे। तो ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा, विदाउट बेक मीट, बेक बुना हुआ, पका हुआ, बुना हुआ, मीट वॉज नेवर हिज हाउस, उसके घर में हमेशा जो है वो बुना हुआ गोश्त मौजूद होता था। नोट ही बड़े सन, प्रॉपर्टी बड़ी सी, एंड डाण से याशी करने से पैसे ही ढेर सी, हर वक्त मच्छी तली हुई, भुजी हुई, ग्रिल्ड, ओ मटन ग्रिल्ड, चिकन ग्रिल्ड, स्टीम, टिक्के। विदाउट बेक मीट वॉज नेवर हिज हाउस, तो उसका घर जो है वो कभी भी भुने हुए गोश्त के बगैर नहीं होता था, और खासकर ऑफ फिश एंड फ्लैश, और हर तरह का गोश्त, हर तरह की फिश, एंड दैट सो प्लेंटस, तो काफ़ी मकदार में पकती थी और बनी हुई होती थी उसके घर में। मॉडर्न में देखिएगा, बेक मीट वॉज नेवर वॉन्टिंग इन हिज हाउस, उसके घर में कभी भी वॉन्टिंग, कमी नहीं होती थी बेक मीट की, भुने हुए गोश्त की, और खास करके ऑफ फिश, और फिश की फ्लैश, गोश्त की, एंड दैट सो प्लेंटस, और बहुत ज़्यादा मकदार में वहाँ पर मौजूद होते थे। यानी जेड़ा भी आंढ गुआंढ माले वाले अगर भुख लगी भी हो ना, तो वो घर जाके खा लें। आगे जी, इट्स न्यूड इन हिज हाउस ऑफ मीट एंड ड्रिंक, तो इट सीम्ड टू स्नो देयर इन बोथ फूड एंड ड्रिंक। इट्स न्यूड, इट सीम्ड, ऐसे लगता था इन हिज हाउस, उसके घर में, ऑफ मीट एंड ड्रिंक, जो मीट है, गोश्त है, और जो ड्रिंक है और जो शराब है वो हर वक्त मौजूद होती थी। इट सीम्ड टू स्नो, ऐसे लगता था जैसे कि उस पर इतनी रहमत है ऊपर वाले की, कि जैसे बर्फबारी होती है या खजाने निकले हुए हैं किस चीज़ के, खाने पीने के। तो ऑफ ऑल डेंटीज दैट मैन कुड थिंक, कोई भी इंसान जितनी भी डेंटी डिशेज हैं उनका सोच सकता था, तो वो डेंटी डिशेज उसके घर में मौजूद थी। तो मॉडर्न में देखिएगा, ऑफ एवरी डेंटी दैट अ मैन कुड थिंक, कोई भी डेंटी डिश, मज़ेदार डिश जो कोई इंसान तसव्वुर कर सकता था, वो उसके घर में मौजूद थी। जी नेक्स्ट आगे देखिएगा जी, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में, आफ्टर द सॉन्ड्री सीजन्स ऑफ द ईयर सो चेंज्ड ही हिज मीट एंड हिज सूप। तो मॉडर्न में देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ द ईयर ही चेंज्ड हिज डाइट एंड हिज मीन्स ऑफ चीयर। जी तो ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा, आफ्टर द सॉन्ड्री सीजन्स, तो सॉन्ड्री सीजन्स, सॉन्ड्री वेरियस, तो वेरियस सीजन्स में, तो जो भी साल का मौसम होता, जमाना होता, उसके मुताबिक सो चेंज, वो चेंज कर देता हिज मीट, अपनी खाने की लवाजमात, डिशेज, एंड हिज सुपर, और अपना डिनर। तो मतलब क्या कि अपना खाना जो है वो बदलते मौसम के साथ साथ वो तब्दील कर देता था। क्यों? पैसा राज्य सी ते अयाशियां भी राज्य। मॉडर्न में देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ द ईयर, तो जो भी सीजन ऑफ द ईयर होता उसके मुताबिक ही चेंज हिज डाइट, वो अपना खाना तब्दील कर देता, एंड हिज मीन्स ऑफ चीयर, और अपनी अयाशी के जितने भी उसके ज़राए थे, उसके वसाइल थे या तकरीबात थी, उनको वो तब्दील करता रहता था, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कुछ, तो वो बदलता रहता था। पैसा राज, अयाशी राज। आगे जी, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में देखिएगा, फुल मैनी अ फैट पैट्रिच हैड ही इन म्यू, एंड मैनी अ बीम एंड मैनी अ लर्स इन अ स्ट्यू। तो मॉडर्न में देखिएगा, फुल मैनी अ फैटेंड पैट्रिच डिड ही म्यू एंड मैनी अ बीम एंड पाइक इन फिश पॉन्ड टू। तो ओल्ड इंग्लिश में देखिएगा, फुल मैनी अ फैट पैट्रिच, तो मोटे ताजे पैट्रिच, तीतर जो है वो उसने रखे हुए थे, मतलब कुकड़ियाँ, परिंदे, बटेरे, तितर,
यानी जो भी परिंदे जो है वो खाने वाले जो हैं, वो मोटे तगड़े जो है, यहाँ पर उसने तीतर का जिक्र किया है। हैड ही इन म्यू, म्यू पिंजरे के अंदर, तो अपना ही उसका फार्म हाउस था, वहाँ पे पिंजरों में जो है मुख्तलिफ किस्म के खाने के लिए परिंदे मौजूद थे। एंड मैनी अ बीम, और दो मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ जो है, नस्ल वाली, एक ब्रीम नस्ल वाली और एक मैनी अलेउस, लेउस नस्ल वाली, इन स्ट्यू, स्ट्यू तालाब, वहाँ पर जो उसका एक तालाब बना हुआ था, वहाँ में ब्रीम मछली और लेउस मछली जो है मौजूद होती थी उसके खाने के लिए। तो मॉडर्न में देखिएगा, फुल मैनी अ फैटेंड पैट्रिच डिड ही म्यू, तो अपने म्यू केज पिंजरे के अंदर उसने फैटेंड मोटे ताज़े पैट्रिच तीतर रखे हुए थे। एंड मैनी अ ब्रीम एंड पाइक, तो ब्रीम की नस्ल की मछली एंड पाइक नस्ल की मछली, इन फिश पॉन्ड, उसने जो फिश पॉन्ड बनाया हुआ था वहाँ पर मौजूद थी। ओल्ड इंग्लिश में नेक्स्ट आगे देखिएगा जी, वो वाज हिज कुक बट इफ हिज सॉस वर पॉइंट एंड शार्प एंड रेडी ऑल हिज गियर हिज टेबल डॉर्मेंट इन हिज हॉल ऑलवे स्टूड रेडी कवर्ड ऑल द लॉन्ग डे। तो मॉडर्न में देखिएगा, रन ऑन लाइन है तो इसलिए हमें चार लाइनें पढ़नी पड़ी हैं। वो टू हिज कुक एक्सेप्ट द सॉसेस वर पॉइंट एंड शार्प एंड रेडी ऑल हिज गियर हिज टेबल वेटिंग इन हिज हॉल ऑलवेज स्टूड रेडी कवर्ड थ्रू द लॉन्ग डे। अब ये लाइव लॉन्ग डे जो है ना, इसकी जगह पर सिर्फ लॉन्ग डे जो है, ताकि उसका वजन भी पूरा रहे और बात भी समझ आ जाए। ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा, वो कहते हैं गम, वो कहते हैं नोहा, वो कहते हैं तकलीफ। वाज हिज कुक, उसके शेफ को, उसके कुक को तकलीफ मिलती, फेंटी पैंदी ये देखो लूँ। बट इफ हिज सॉस वर पॉइंट एंड शार्प, अगर उसकी चटनी, उसकी सॉसेस कहीं से भी ख़राब हो जाती, किसी सूरत में भी, ज़्यादातर वो तेज़ हो जाती थी, पॉइंट हो जाती थी, शार्प हो जाती थी, उसमें तीखा हो जाता था, तो उसके शेफ को जो है वो फेंटी पड़ती, वो उसको तकलीफ मिलती। एंड रेडी ऑल हिज गियर, और उसका साजो सामान हमेशा तैयार रहता। किस चीज़ का साजो सामान, यानी एवरीथिंग वुड बी रेडी एंड वॉज रेडी, किस चीज़ की, हिज टेबल डॉर्मेंट, उसका टेबल जो है सजा संवारा रहता था खानों से, और हमेशा जो है वो डॉर्मेंट, अब डॉर्मेंट का लफ्ज़ मतलब तो होता है खामोश, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि खाने लगे हुए हैं और खाने सोए हुए हैं, डॉर्मेंट हैं। स्टूड रेडी कवर्ड ऑल द लॉन्ग डे, और सारे का सारा दिन वो पके हुए खाने कवर्ड रहते थे, कि जब कभी भी कोई भी या फ्रैंकलिन खुद भी आता तो दावत उड़ाई जा सकती, तो 24 आवर्स जो है उसका शेफ रेडी रहता था।